तो तमाम हरियाणा के खापों ने कल फैसला लिया था कि हर खाप हम अपनी पंचायत करके और सबको साथ लेकर दिल्ली पहुँचे। उसी के अनुरूप हमने अपनी सांगवान खाप इकट्ठी करी है और कल सुबह 10 बजे हम काफिलों के साथ ट्रैक्टरों के साथ पूरी खाप दिल्ली को कूच करेंगे और किसान भाइयों को हम समर्थन करेंगे। और आज ही मैंने अपने चेयरमैनी पद से भी इस्तीफा दे दिया कि सरकार का जो लाभदायक कदम वो हासिल नहीं करना चाहता कि जब मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ तो मैंने इसको पदों पर छोड़ दिया और मैं काफिले के साथ कल तमाम भाइयों के साथ। क्या आपने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है? समर्थन का कोई सवाल नहीं है। समर्थन मैंने तो अपने पद से जो चेयरमैनी सरकार ने दे रखे लाभदायक पद है उससे इस्तीफा दिया। जो सांगवान खाप कितने दिन वहाँ तक रहेगी? जब तक भाई और किसान भाई रहेंगे उनके साथ ही मरेंगे, साथ ही जियेंगे, लास्ट तक साथ। सांगवान खाप लगभग आगे बढ़ने वाली होती थी लेकिन अब की बार सबसे आखिर में इस तरह के जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कारण है? पीछे कहा है, पहले भी नहीं थी, फैसला खापों ने कर लिया कि हम समर्थन करने जाते सारे लोग इकट्ठे होकर तो सांगवान खाप का पीछे रहने का मतलब नहीं होता। 6 महीने से आंदोलन जो है लगातार चल रहे थे तो उस दौरान में जरूरत पड़ी सांगवान खाप ने समाज के जान बढ़ाई की बात थी, समाज की कोई तकलीफ थी, सांगवान खाप ने हर मुद्दे को सरकार सहयोग करा चाहे किसी भी मामले में। सांगवान खाप अपने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया कृषि अध्यादेशों को लेकर, अब अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं? ऐसे लिया था, मैं आज भी अपनी बात तक आया, मैंने कहा था कि किसान के हित में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जाए, क्या मामला है समझ में नहीं। मैं तो ये भी कहा था मुझे चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैंने विधानसभा में कहा था कि लोगों के जो दिमाग के अंदर किसान के जो दिमाग में कन्फ्यूज पैदा उसको दूर किया जाए कि कानून का किसान का हित में तो फिर रोड़ा कैसे। अगर कृषि अध्यादेश आपको अच्छे लगते हैं, आपने गोहाना में किसान विकास रैली की, मैं किसान मैंने किसान दिल्ली लेकिन लेकिन अगर मेरे को कहीं बुला लिया मैं स्टेज पे गया था लेकिन मैं न सहयोग था न वो इलेक्शन का मोमेंट था, उस इलेक्शन में बीजेपी का समर्थन किया था नो डाउट। दिल्ली कोच को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हर गांव से किए गए हैं या फिर क्या? हर गांव से, हर गली से ट्रैक्टर टेली काफिलों के साथ पूरी खाप कल दिल्ली जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जो इस तरह की जो राजनीति करके उसमें आंदोलन में कूदा जा रहा है कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए, क्या कहेंगे? ऐसे अगर लोग जाने से आंदोलन कमजोर होता है तो मजबूत कैसे उतरे, कहा बता दें जब भाई उठ के जाएंगे तो आंदोलन तो मजबूत होगा। जो राजनीति वाली बात है वो राजनीति करते नहीं, हमारा मकसद राजनीति करना है। बुराड़ी मैदान में सभी हमारा एक मकसद है, जो किसान भाइयों की तकलीफ है जो महसूस कर रहे हैं, अगर उस कानून के अंदर बदलाव चाहती है जनता की भलाई में तो हमको उसके समर्थन में जा रहे हैं कि समाज का हित हो उसमें हम जा रहे हैं। राजनीति करने में चेयरमैन बाहर रखे तो राजनीति क्या मतलब। बुराड़ी मैदान में सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है लेकिन सभी सड़कों पर हैं, आपका क्या मानना है कि सड़कों पर रहकर के काम होगा या मैदान में पहुंचकर? किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो तो उनका काम है, हमने तो सहयोग करे है, हम पीछे चलने वाले हैं आगे वो भाई हैं, हम तो पीछे से उनकी जो हमारे से सहयोग बने हैं काफी वो सहयोग कर रहे हैं, उनका काम नेतृत्व का क्या करें। लगभग हमने उसमें राजनीति झगड़े बजाए बेलाग लपेट बेदाग लगातार जो है विपक्ष का नाम लिया जाता है कि जितने भी किसान वहां पर हैं वो विपक्ष के ही कार्यकर्ता हैं, तो यहां अगर आप खाप भी समर्थन दे रहे हैं तो क्या विपक्ष के साथ मिलकर कर रहे हैं? ऐसा है, जब कोई विरोध करता है पक्ष का नाम का नाम वो मौका ही क्यों दिया, विपक्ष उठाने का मौका ही क्यों दिया, ऐसी व्यवस्था ही क्यों करी। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं, ये विपक्ष जिसके पीड़ा है अब से पहले भी कुछ कहा गया था, जब किसान चल के आए तो उसी कोई ना कोई पीड़ा है वो महसूस कर रहा है, उस पीड़ा को मिटाने का सरकार का दायित्व बनता है, वो सबने कर्तव्य को निर्वाह करके समस्या समाधान करना और किसान को खुशहाल करना सरकार की जिम्मेदारी। जो पंचायत हुई है